जब तुम्हारे भीतर ऊर्जा इकट्ठा होती है, तुम्हारे भीतर ज़्यादा इंटेलिजेंस काम करती है, तुम्हारी समझ बढ़ जाती है, तुम ज़्यादा होशपूर्ण हो जाते हो। और होशपूर्ण होना ही जीवन में जागना है। लेकिन हर मनुष्य उस बाल्टी की तरह है जिसमें छेद ही छेद हैं। छेद वाले बाल्टी को कुएं में डुबोते हैं और फिर बाल्टी भर जाती है, उसको ऊपर निकालते हैं, कुएं के ऊपर आते आते तक जितना पानी भरा रहता सब खाली हो जाता है, क्योंकि छेद ही छेद है। संबुद्ध पुरुषों ने बार बार कहा कि मनुष्य छेदों वाली बाल्टी जैसे जीवन को जीता है। तुम प्रातःकाल सोकर उठते हो और 24 घंटे खाते हो, पीते हो, व्यायाम करते हो, तरह तरह से ऊर्जा इकट्ठा करते हो, नर्सिंग डाइट लेते हो, जाने कितने तरह के सप्लीमेंट्स लेते हो, लेकिन ये सारे ऊर्जा के तुमने इतने बाहर बहने के स्रोत बना रखे हैं। धन की दौड़, पद की दौड़, प्रतिष्ठा की दौड़, कामुकता की दौड़, लड़ाई झगड़े की दौड़, हर चीज़ में तो ऊर्जा लगती है। ईर्ष्या, लोभ, मोह, ये करना, वो करना, इससे निपटना, उससे, हर चीज़ में तो ऊर्जा लगती है। तो सुबह सोकर उठते हो, रात बिस्तर पर जाने तक कहते हो एकदम अब तो पैर लड़खड़ा रहे हैं, कब बिस्तर पर पड़ते हो और सो जाते हो, यानी दिन भर आपने कमाया और रात होने होने तक सारी ऊर्जा आपने गंवा दी। सवेरे फिर थोड़ी ऊर्जा इकट्ठा हुई रात में सोने से, फिर प्रातःकाल उसे गंवाना शुरू कर दिया सो के उठते ही। तो वही छेदों वाली बाल्टी 24 घंटे इकट्ठा करना, फिर 24 घंटे खाली हो जाना, इकट्ठा करना, खाली हो जाना, इकट्ठा करना, खाली हो जाना, इकट्ठा करना, खाली हो जाना, यही तुम्हारे जीवन को पशु जैसा जीवन बना देती है, यही तुम्हारे जीवन को नरक बना देती है। तो मैंने आपसे कहा कि जीवन ऊर्जा को प्रेम ऊर्जा में रूपांतरित करना, यह वैज्ञानिक तल पर जीवन में परमात्मा के अनुभव को प्राप्त करने की महत्वपूर्ण विधि है। जैसा मैंने कहा, जीवन ऊर्जा ही काम ऊर्जा है, काम ऊर्जा ही राम ऊर्जा है, राम ऊर्जा ही अस्तित्व की ऊर्जा। और इस ऊर्जा को हमने, इस सत्य को वैज्ञानिक तल पर, आध्यात्मिक तल पर सिद्ध कर लिया है कि यही जीवन ऊर्जा, यही काम ऊर्जा, यही प्रेम बनती है, यही करुणा बनती है, यही परमात्मा बनती है। कब बनती है? जब इस ऊर्जा को हम इकट्ठा करते हैं, अपने भीतर नष्ट करने से बचा लेते हैं। दूसरी बात मैंने कही कि ध्यान के माध्यम से यह काम ऊर्जा आनंद बनती है, यह काम ऊर्जा प्रेम बनती है। जो व्यक्ति जितना अधिक ध्यान के माध्यम से अपनी ऊर्जा को संग्रहित करता है, उसके जीवन में उतना ही अधिक प्रेम और आनंद को पैदा करने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। जितना अधिक कामुकता होती है मनुष्य के भीतर, उतना अधिक प्रेम के अनुभव से वंचित होता है। आपको ये बात विपरीत लग रही होगी, उल्टी लग रही होगी, लेकिन जो व्यक्ति जितना ही अधिक कामुक होगा, उसके भीतर उतना ही अधिक प्रेम का अभाव होगा। कामुक व्यक्ति का प्रेम तो सिर्फ दिखावा होता है, वो तो सिर्फ साधन मात्र है किसी को अपनी ओर आकर्षित करके अपनी काम शक्ति को उपयोग करने का माध्यम बनाने के लिए। लेकिन मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रेम। भोजन के बिना तो आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन प्रेम के बिना आदमी मनुष्य की तरह, आदमी आदमी की तरह जिंदा नहीं रह सकता। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया है कि प्रेम के अभाव में बच्चे 2 साल के अंदर ही मर जाते हैं, उनको बचाया नहीं जा सकता है। और अगर बच्चे बच जाते हैं तो 99% केसेस में पाया गया है कि प्रेम के अभाव में बच्चे न्यूरोटिक हो जाते हैं, सिजोफ्रेनिक हो जाते हैं, विक्षिप्तता आ जाती है उनमें, और ऐसे ही लोग क्रिमिनल्स हो जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर प्रेम नहीं। प्रेम का अनुभव होता तो महत्वाकांक्षा की राजनीति में उलझते ही नहीं वो। जब प्रेम बढ़ता है तो आदमी क्रिएटिव हो जाता है, रचनात्मक हो जाता है। प्रेम नहीं रहता है जीवन में तो आदमी डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। प्रेम के अभाव में व्यक्ति असामान्य हो जाता है,
एबनॉर्मल हो जाता है। प्रेम का अर्थ है जो व्यक्ति किसी को प्रेम करता है उसके प्राणों में यही सबसे बड़ी चिंता रहती है कि उसका होना किसी दूसरे के लिए बहुत जरूरी है, उस दूसरे के लिए जिसे वो प्रेम करता है। प्रेमी हमेशा समझता है कि उसका होना उसके लिए बहुत जरूरी है जिसे वो प्रेम करता है, और उसके आनंद को बढ़ाने के लिए ही वो समझता है कि उसका होना जरूरी है। और अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो सबसे पहली चाह आपके प्राणों में यही होती है कि कैसे मैं उसको अधिक से अधिक आनंदित कर दूं।